अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी प्राइस है $8 और यहाँ पे कितने की सेल हो रही है $63। तो बीच का प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं तकरीबन तकरीबन $55 के करीब जो है ना इस बंदे को प्रॉफिट हो रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे एक और प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ। इस प्रोडक्ट की प्राइस आप देख ले तकरीबन $3 से $4 है, लेकिन अमेजोन पे इसकी प्राइस आप देख सकते हैं तकरीबन $29 है। तो डिफरेंट प्राइस में इस प्रोडक्ट को लोग जो है ना यहाँ पे सेल कर रहे हैं। कोई 40-44 की, कोई 23 की जो है ना इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ऐसे ही आप भी जो है ना ड्रॉप शिपिंग करके घर बैठकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब ऐसे ही आप भी जो है ना इस बंदे की तरह प्रोडक्ट्स को जो है ना लो प्राइस में खरीद कर या फिर उसको ड्रॉप शिप करके उसको हाई प्राइस में सेल आउट कर सकते हैं अमेजोन पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पर, एटसे, ईबे वगैरह पे। आप इसको जो है ना ड्रॉप शिप करके इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, या फिर आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करके उसके ऊपर भी जो है ना प्रोडक्ट को डायरेक्ट सिर्फ एक क्लिक में आप उसको डायरेक्ट जो अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपने एक क्लिक में प्रोडक्ट्स को जो है ना अपने ऑनलाइन स्टोर पर उसको लिस्ट करना है शॉपिफाई के स्टोर पर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है CJ ड्रॉप शिपिंग। अब यहाँ पर आपको होलसेल रेट पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएगी। सारी प्रोडक्ट्स ही तकरीबन मिल जाएगी होलसेल रेट पर, जिनको आप यहाँ से कम प्राइस में ख़रीद कर या फिर इसको यहाँ से ड्रॉप शिप करके अमेजोन, एटसे, ईबे, शॉपिफाई पर इसको डायरेक्ट लिस्ट करके जो है ना इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अपना ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन आप रखते हैं तो फिर आप अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट आपको दिखाई। तो ऐसे ही आप भी जो है ना यहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ से ड्रॉप शिप करके उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और आपको एक और मेथड बता दूंगा, सिर्फ एक क्लिक करके, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है लिस्ट वाला ऑप्शन, इसके ऊपर अगर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपके स्टोर पर डायरेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन, टाइटल और पिक्चर्स के साथ जो है ना डायरेक्ट आपके स्टोर पे लिस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने शॉपिफाई का स्टोर जो है वो क्रिएट करना है। आप एटसे के ऊपर भी इसको ड्रॉप शिप कर सकते हैं, ईबे के ऊपर भी ड्रॉप शिप कर सकते हैं, अमेजोन के ऊपर भी डायरेक्ट जो है ना इसको ड्रॉप शिप कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉपिफाई का प्रोसेस बता देता हूँ। आपने सिंपल स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसको नेक्स्ट कर देना है और इसके बाद एन ऑनलाइन स्टोर, इसके ऊपर आपने क्लिक करके नेक्स्ट करना है और इसके बाद लास्ट में ड्रॉप शिपिंग के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ से आपने अपनी शॉपिफाई की आईडी जो है वो क्रिएट करनी है। ईमेल के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए भी, कंटिन्यू विद एप्पल, एप्पल के ज़रिए भी, एप्पल आईडी के ज़रिए भी, और डायरेक्ट जो है ना गूगल अकाउंट के ज़रिए भी आप लॉगिन कर सकते हैं, आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं गूगल के ज़रिए करूँगा। कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से अपना जो गूगल का अकाउंट है उसको यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ी सी यहाँ पे लोडिंग लेगा और यहाँ पे आपका जो शॉपिफाई का अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा शॉपिफाई का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है ना क्रिएट हो चुका है। आपने इसके बाद क्या करना है, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आना है, ठीक है। और यहाँ से आपको यहाँ पर डिफरेंट किस्म की जो है ना थीम्स वगैरह मिल जाएगी, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोर के लिए। इन थीम्स को आप अपने स्टोर के ऊपर जो है ना यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी थीम्स आपको मिल जाएंगी और थीम्स अगर आप ऐड करते हैं तो उसको यहाँ से आप सिंपल जो है ना कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करके उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद आपका जो स्टोर है वो किस तरह का दिखाई देगा, ये आपको देख रहे कस्टमाइज़ का ऑप्शन दिख रहा है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने स्टोर को जो है ना कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो अपने स्टोर का नेम वगैरह आप अगर चेंज करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत और चेंजिंग्स, जितनी भी चेंजिंग्स करनी है आपने वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं, लोगो वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ से आप अपने स्टोर के ऊपर कोई सा भी अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। तो सारी कस्टमाइजेशन करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल सेव के ऊपर क्लिक कर देना। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद रेडी हो जाएगा और आपका स्टोर जो है ना इस तरह का कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, व्यू योर स्टोर के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपका स्टोर जो है कुछ इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा आपके स्टोर का। थीम्स जो है ना आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई सी भी थीम अगर आपको पसंद आती है तो उसको यहाँ से सिंपल ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना और उसको पब्लिश कर देंगे तो आपकी जो थीम है वो सेलेक्ट हो जाएगी, आपके स्टोर की थीम जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये सब करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है। लिस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है CJ ड्रॉप शिपिंग पर।
इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉपिफाई का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको जो आपका शॉपिफाई का स्टोर है वो सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ आपको उसको लिंक करना होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, ऑथराइजेशन वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है टॉप पे। तो ये सारे ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है, इन सब को आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। तो मैं शॉपिफाई को लिस्ट करता हूँ, शॉपिफाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो शॉपिफाई पर आप जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। ऐड स्टोर के ऊपर आपने क्लिक करना है, ऑथराइज के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने क्या करना है, ऐड ऐप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से डायरेक्ट जो है ना आपके शॉपिफाई के ऊपर ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है अपने अकाउंट के ऊपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग। तो यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल ऐप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ऑथोराइज के ऊपर क्लिक कर देना है, कंफर्म करना है। अब आप देख सकते हैं ऑथोराइजेशन सक्सेस। अब यहाँ से आप जो है ना प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट लिस्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई के स्टोर पर। तो मैं कोई सी भी प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अच्छी लगे, जिस पे आपको लगे यहाँ से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, तो किसी भी एक प्रोडक्ट को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लिस्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लिस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो लिस्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने जो है ना ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने स्टोर को ऐड करना है, ऑटोमेटिकली ये जो है ना आपके स्टोर को सेलेक्ट कर लेगा और कहाँ कौन से वेयर हाउस से इसको आप जो है ना शिप करवाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट वेयर हाउस दिख जाएंगे, अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है ना जो अवेलेबल वेयर हाउस होगा उसको यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट की टाइप ऐड करनी है, किस टाइप का प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। और उसके बाद कलेक्शन में आपने होम पेज पे इसको ऐड करना चाहते हैं या फिर फीचर्स में कहीं भी आप इसको ऐड करना चाहते हैं, सिंपल आपने क्या करना है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है और उसको ऐड कर देना है। और उसके बाद वेंडर के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, आप कितना प्रॉफिट रखकर जो है ना अब इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। अब जैसे इस प्रोडक्ट के आप देख सकते हैं टोटल जो है ना ड्रॉप शिपिंग कॉस्ट है वो तकरीबन $7 की है। तो आपने इसको PKR में कन्वर्ट करके जो है ना तकरीबन आपने यहाँ पे प्रॉफिट जो रखना है, प्राइस जो ऐड करनी है वो PKR में ऐड करनी है। तो मैं अपनी प्राइस को ऐड कर देता हूँ। तो सारी डिटेल्स वगैरह ऐड करने के बाद, प्राइस वगैरह सेट करने के बाद, अब यहाँ पे आपने लिस्ट इट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्टेड सक्सेसफुली, अपने Shopify स्टोर पर आ जाएं। अब जैसे ही मैं अपने Shopify के स्टोर पर आता हूँ, व्यू योर स्टोर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट जो है मेरे स्टोर पे ऐड हो गई है ऑटोमेटिकली। ये देखें, इसने पिक्चर्स वगैरह और इसका जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट्स की जितनी भी डिटेल्स है वो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर दी है। अब आप देख सकते हैं सिंपल एक क्लिक पे मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया। ना मैंने टाइटल कॉपी किया, ना पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड किए, कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही सिंपल एक क्लिक में आप जो है ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऐड करके अपने स्टोर को ब्यूटीफुल लुक देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है ना यहाँ पे लिस्ट कर देनी है। अगर कोई भी आपकी इस प्रोडक्ट को यहाँ से आपके स्टोर से परचेस करता है, जितनी अमाउंट की आपने सीजे ड्रॉप शिपिंग से इस प्रोडक्ट को परचेस किया होगा, जितनी भी अमाउंट सीजे ड्रॉप शिपिंग की बनती होगी, सीजे ड्रॉप शिपिंग को मिल जाएगी और ऊपर का जो प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसे ही ड्रॉप शिपिंग करके आप जो है ना लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। आपने सिंपल सिर्फ एक क्लिक करना है और प्रोडक्ट आपके सीधा स्टोर पे आगे लिस्ट हो जाएगी। ना आपको टाइटल कॉपी करना है, ना डिस्क्रिप्शन, ना प्रोडक्ट की डिटेल्स, सिंपल एक क्लिक आपने करना है और आपका काम हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा मेथड है, थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी होगी, ऐसा तो कोई काम नहीं है जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े। उम्मीद है ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगा ऑनलाइन अर्निंग का। तो यार ऐसी अर्निंग से रिलेटेड और भी वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि न्यू अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।